प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में किसान पैदल चलकर विशाल रैली में शामिल होने रायपुर पहुंचे। किसानों ने केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एमएसपी पर फसलों की खरीदी पर गारंटी व कृषि कानूनों के विरोध के आंदोलन के दौरान 700 किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। किसानों के दल को पहले बोरियाखुर्द के पास रोका गया, इसके बाद किसानों की ट्रैक्टर रैली संतोषी नगर से होते हुए बूढ़ा तालाब पहुंची। इस दौरान किसान नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। रैली में शामिल होने लगभग 5,000 से अधिक किसान पहुंचे। क्योंकि किसान आंदोलन को 1 साल 8 पूरा होने जा रहा है और देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित है। धन्यवाद यादव जी, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा जो तीनों कानून को वापस किया गया है, इसी आंदोलन का दबाव है और हम चाहते हैं संसद में जिस तरीके से तीनों कानून वापसी का विधेयक लाने वाले हैं, हम छत्तीसगढ़ के किसान चाहते हैं साथ में एमएसपी की कानून बनाए ताकि पूरे देश के किसानों को उसके उपार्जित अन्न का सही कीमत मिल सके। साथ ही जो शहीद हुए 700 से अधिक किसान है उसको सम्मानजनक राशि दी जाए, उसका एक उत्तम बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि आज छत्तीसगढ़ में ये मौसम बारिश हुई है, उसके बारे में भी छत्तीसगढ़ शासन को चाहिए कि सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए। कृषि बिल वापस लेने के बावजूद आपको आंदोलन जारी है, जबकि कृषि बिल की मांग की थी आप लोगों ने, कृषि बिल वापस हमारे बीच में विराजमान है सम्मान्य, कृषि बिल वापसी से ज्यादा जरूरी उसका अनाज खरीदना है। स्वागत करते हुए तीनों काले कानून को पूरे देश के लोग नहीं जानते, पर एमएसपी की गारंटी पर पूरे देश के किसान एक हैं, वो चाहते हैं कि एमएसपी में उसका अनाज बिके। दीजिए, आपका राज्य का एक आदिवासी को गोली मार दी गई है, तो आप नक्सली बोल के अगर इस तरीके से व्यवहार करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ये ना गलत है। सिख धर्म में कृपाण को लेके चलते हैं, आपका जब आरएसएस सत्ता पे बैठे हुए लोग बंदूक और तलवार लेके प्रदर्शन करते हैं, हमारे आदिवासी जब तीर धनुष और अपना तंगिया लेके चलते हैं तो यह माओवादी, तो ये हालात है आज हमारे। ये क्या मांग कर रहे हैं, ये जो भी उत्पादन होता है वो इतने कम दाम में लिया जाता है, उसका कीमत में वृद्धि होनी चाहिए, उसके अलावा होना चाहिए, ये उनका डिमांड है। हमारे राज्य सरकार की मिली भगत के तहत एक योजना आया, देख सही मायने में जमीन में उतर के देखिए, सच्चाई को जान। हम कह रहे हैं ग्राम सभा का जो अस्तित्व है उसको मजबूती से इंप्लीमेंट करिए। और रमन घर का करी अब बेजल का कर था है बड़ा साल तक ले बिजली पहुंचा सकी तो का मंत्री जी नो है मई से का थू पढ़े लिखे हैं ज्यादा ई मन है हराम ज्यादा हमारे देश का खाने का। आज देखा जाए तो आज कपड़ा बनाने वाला आदमी है और अन्न कमाने वाला भी मंगे हैं, हम उस भीख मंगने के लिए हाँ आए आए हैं साथियों। हमको वहाँ या हाथा डालने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारी हमारी समस्या है कि हम किस ढंग से क्षेत्र में जी रहे हैं हमको ही मालूम है। राघू वाल तो बोल देंगे ये लोग साले ढोल ढोक मार रहे हैं लबारी मार रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ एक मलेरिया गोली के पास तो है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कुछ भी नहीं है भाई। आप विश्वास में जाके देख लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जाके देख लीजिए ऐसे हो रहा है। हमारी कई महिलाएं ने जजकी में खत्म हो रहे हैं, अब हॉस्पिटल तो नहीं है तो जजकी लाइन में 26-27 करोड़ रुपए में जाता कोर्ट ले मर जाते, तो ऐसे सरकार ला तो जूता मार छिड़ना चाहिए। साथियों हम लोग आप लोगों को यहाँ तक लाने का मतलब यही है, मेरा लगभग 64 साल हो रहा है और 64 साल से मैं 20 साल से ही मतलब राजनीति में जुड़ा हूँ, फिर 20 साल सरकार के कान में आवाज नहीं लग रहा है, आज तक आवाज नहीं है, जो तक नहीं हिल रहा है उनकी आवाज में कि गरीब लोग क्या कर।
जी रहे हैं। मैं भाइयों मीडिया वाले भाइयों से बात करना चाहता हूँ कि वो स्वयं जाके देख लीजिए हमारे क्षेत्र की दृष्टि क्या है, क्या इसलिए हम लोग जी रहे हैं। आंसू भाई जाते हैं जी, अगर देखा जाए तो ना हॉस्पिटल है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं है। तो बिजली तक के नहीं थी। अब बता भला अंधेरे में अगर कहीं शहर में 10 घंटा तक अगर बिजली बंद हो जाए तो कटले मर जाए। और हम 75 साल बिजली है, 75 साल तक बिजली नहीं है, कैसे अंधेरे में जी रहे हैं। किस प्रकार के हमारे यानी परिवार चल रहा होगा अंधेरे में। क्योंकि हकीकत यह है छत्तीसगढ़ राज्य बने आज 21 साल होने जा रहा है। इन 21 सालों में आदिवासियों को क्या दिए आपने, बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार। आज आदिवासी आपके सामने में बहुत सारे हमारे और साथी है अपनी बात को कहने वाले हैं कि आपने क्या दिया है। आज इतने दूर से साथी ट्रैक्टरों से गिरते उठते अपने वहां से इधर आए हैं राजधानी में अपनी बात को कहने के लिए। वो ये कह रहे हैं पैसा कानून को आप लागू करिए। पैसा कानून कब का बना है? 1996 का पैसा कानून आपने बनाया, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति होती तो राज्य के अंदर पैसा कानून लागू होता। पांचवी छठवीं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं बिना ग्राम सभा का उनकी जमीन छीन ली जाती है। क्यों? सिलेगर में वही हुआ जिसके पास जमीन का। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।